आज की साक्षरता पत्रिका के अंक में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश के पूर्व में बसी एक बहुत सुंदर नगरी विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा समुद्र से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन पहाड़ होने की वजह से मौसम संभला रहता है। विजयवाड़ा के जनशिक्षण संस्थान में बहुत से कोर्सेज सिखाए जाते हैं, किंतु महिलाओं के लिए विशेषकर कोर्सेज हैं। सिलाई कढ़ाई इत्यादि के कोर्स बहुत पॉपुलर हैं और इनसे शिक्षा प्राप्त करके बहुत सी महिलाएं या तो अपना स्वयं का रोज़गार बना सकी हैं या कहीं ना कहीं रोज़गार पा सकी हैं। तो हमने ऐसी ही कुछ महिलाओं से मुलाकात की, आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी में उनकी कहानी। विजयवाड़ा में जनशिक्षण संस्थान में मैं इंस्ट्रक्टर का काम कर रही हूँ। फैब्रिक पेंटिंग सिखाती हूँ। एक एक बैच रन होता है, इसमें बैच में 20 ऐसे मेंबर्स रहते हैं। ये सीख के उनके घर में अपने आप पेंटिंग करके सारीज बेचते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के कैसे करते हैं पैसे, एक साड़ी को 300 पे कर सकते हैं, ऐसा सीखने से बहुत अच्छा आता है। शिक्षण संस्था में अपनी क्लासेस सीखने आई हूँ, मॉडल ड्रेसेस के क्लासेस। मैं इससे पहले भी मॉडल ब्लाउजेस भी कर चुकी हूँ, अब मॉडल ड्रेसेस में आई हूँ। ये मॉडल ड्रेसेस है, अब तक हमने 3-4 मॉडल सीखे हैं। अभी 15 दिन ही हुए हमें क्लास ज्वाइन करके, 3 मॉडल्स हुए हैं और फ्रॉक्स भी सियेंगे। और मैं इधर क्लास इसलिए ज्वाइन हुई हूँ कि मैं इधर क्लास सीख के बुटीक खोल सकूँ, इससे मैं अपनी खुद की कमाई हो सकती है और अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। मैं अपनी कमाई करके अपनी कमाई के पैसे खुद खर्च कर सकती हूँ और इंडिविजुअलिटी एक आती है, इसलिए मैं इस कोर्स में ज्वाइन हुई हूँ। मेरा नाम बाजिमा है, ये JSS का टेलरिंग सेंटर है फ्रॉम विजयवाड़ा। हम यहाँ टेलरिंग और कटिंग सीखने आ रहे हैं, हम बाहर जाके बिजनेस लगा लेंगे। ये सब नव शिक्षण है हमारी जनशिक्षण संस्थान से तरफ। हम फैब्रिक पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, डिटर्जेंट पाउडर,
ऐसा प्रोग्राम्स देते हैं इसके लिए। ये है अम्मो जी, जिन्होंने जन शिक्षण संस्थान विजयवाड़ा से अगरबत्ती बनाने का कोर्स प्राप्त किया और आज अपने ही घर में बैठे बैठे 5,000 रुपये महीना कमा लेती हैं। इनके साथ साथ जो महिलाएं इन्हें सहायता करती हैं उन्हें भी रोजगार का साधन मिल गया है। अम्मो जी ने हमें बताया कि वह अपने इस काम से बहुत खुश हैं और जन शिक्षण संस्थान की बहुत आभारी हैं। शिक्षण संस्थान से हम लोग लैब टेक्नीशियन कोर्स पढ़कर ये लैब शुरू किया है। विजयवाड़ा जन शिक्षण संस्थान ने 32 दुकानों की यह बिल्डिंग बनवाई है उन महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए जिन्होंने जन शिक्षण संस्थान विजयवाड़ा से महिलाओं का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स किया है और इसी दुकान में यही कोर्स करने के पश्चात हिमा बंधु ने खोली है जूतों की दुकान, जहां वह बहुत अच्छी तरह अपने सेल कर रही हैं और कम से कम 2-3 हज़ार रुपये महीने कमा लेती हैं। हम दोनों ने JSS में 6 मंथ कैटरिंग कोर्स लिया। अब हम ये रेस्टोरेंट चल रहा है। अब 1 मंथ को 45,000 इनकम आता है। हम JSS का बहुत ग्रेटफुल है। JSS की तरफ बहुत कोर्सेस, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, स्किल फॉर्मेशन कोर्सेस, JSS विजयवाड़ा वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ये बिल्डिंग बनवाया है। सो अपना सामान वहाँ भेज सके, हमने उनको बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी दिया है। आज की हमारी सितारा खबर है राधा रानी जी का यह हॉइजरी उद्योग। राधा रानी ने जन शिक्षण संस्थान से एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का कोर्स किया और आज वे लाखों का बिजनेस चला रही हैं। ये है राधा रानी जी, जिन्होंने जन शिक्षण संस्थान से एक ट्रेनिंग प्राप्त करी और उसके बाद इतना सफल कारोबार चला रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनकी सफलता का राज। तो राधा रानी जी, ये बताइए कि आपके इतने बड़े कारोबार और इस सफलता का क्या राज है? जन शिक्षण संस्थान के कृपा से यह सफलता हो गई। तो आपने कौन सा कोर्स किया था जन शिक्षण संस्थान से? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो वो कितने महीने का या कितने हफ्ते का कोर्स था? सिक्स वीक्स कोर्स। फंडामेंटल इंफॉर्मेशन टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री, दे विल गिव एवरीथिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेलिटीज। उन्होंने आपको बेसिक बातें बताई कि इंडस्ट्री कैसे शुरू करते हैं। यस। अच्छा, आफ्टर दैट आपने लोन लिया?
No, after in the training period, there is some 2 weeks gap is there to survey the marketing, how to start an industry. After selecting the industry, to see, they give facility to me. They sent me to Coimbatore to see the biggest industries in Tirupur and like that. Please tell me, how many people are you employing and how much salary are you giving them? About 50 members and 2,000 like that. We are giving piece work like that, job work like that we are giving. How much work they are doing, they like get the salary like that. Salary like depends that. On how the amount of job work like salary that. Salary depend karti hai ki wo jitne kaam karenge, yes. Jitne pieces banayenge, uske hesaab yes. Se unhe salary like milegi. Aur baki aapne kitne 50 logon ko employment di hai. Isme zyadatar mahilaen hai ki 40 members mahila. 40 usme se mahilaen hai. To aap abhi ye jo saman bana rahi hain, इसको आप कहाँ बेचती हैं? आपकी मार्केट प्लेस कहाँ है? We are bringing from Ludhiana and Tirupur also, from south and north also. आप रॉ मटेरियल जो है, जो कपड़ा है, ये आप लुधियाना से लाती हैं और उसके बाद आप इसको मार्केट कहाँ करती हैं? All over आंध्र एंड सम तिरुपुर, पूरा आंध्र में, बेंगलुरु, पांडिचेरी, सैलम, लाइक दैट एंड दोस स्टेट्स आवर स्पोर्ट्स आइटम्स आर गोइंग. अच्छा, आप क्या क्या आइटम्स बनाती हैं? आइटम किट्स लाइक स्पोर्ट्स आइटम्स, जॉगिंग सूट्स एंड बताइए, ट्रैक सूट्स, बास्केटबॉल जर्सीज, सैंडो बनियंस, जिमनास्टिक्स स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग. 15 आइटम्स यार मेकिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर. तो आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती होगी तकरीबन? मंथली टर्न ओवर, हाँ मंथली ईयरली 35 लाख. हर साल आपका 35 लाख, यानी 35 लाख रुपए हर साल आपका टर्नओवर है. और एम्प्लॉयज को तकरीबन कितनी तनख्वाह मिल जाती होगी? हर एम्प्लॉय को अप्रॉक्सीमेटली कितने पैसे मिल जाते हैं हर महीने? 10% प्रोडक्शन का 10% एम्प्लॉयर को मिल जाता है, यानी 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं उनको हर महीने. अच्छा, तो अभी आपका कुछ और उसको आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है? आगे बढ़ाने डेवलपिंग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. वी आर प्रिपेरिंग लेडीज with self-employment, like that. I am telling cooperative by encouraging cooperative society and by encouraging self-employment groups. I want to develop this industry, a group of industries, organizing by poor ladies. They themselves, we want participation of poor ladies in the industry. Women in this state bhi bana rahe hai. एसोसिएशन भी है ना, वुमेन एंटरप्रेनर एसोसिएशन भी है ना, राधा रानी जॉइंट सेक्रेटरी है ना, मैं ऑनरेरी प्रेसिडेंट है ना. तो उसमें उसमें आप और लोगों को एनकरेज कर रहे हैं? वुमेन कोई अलग से लैंड लिया है आपने? अलग से लैंड लिया है हम, 30 एकर्स लैंड लिया है, 100 एंटरप्रेनर्स आने वाले हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्लान कर रहे हैं. और आप किस इसकी जॉइंट सेक्रेटरी हैं? तो आपको आप इसकी सेक्रेटरी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? उससे पहले आप एक सिर्फ गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी, और अब आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रही हैं, आपको कैसा लगता है? That is a burning desire in me to start an industry, to provide employment, to participate in the constructive thoughts with. I want to see the women with constructive thoughts, not in a stage of helpless and without any cooperation. Any negative circumstances, we want to see the women in positive way only. मैं चाहती हूँ हर महिला से आगे बढ़े. आप चाहती हैं हर महिला आपकी तरह आगे बढ़े? Yes. Thank you.
रेडियो और टेलीविजन रिपेयर का यह कोर्स युवकों में बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि यह कोर्स करने के बाद वे अपना रोजगार आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैं इसी इंस्टीट्यूट में, JSS इंस्टीट्यूट में अभी 24 स्टूडेंट्स को पूरा ये रेडियो टीवी मैकेनिज्म कोर्स सिखाता हूँ। जन शिक्षण संस्थानों को युवा पीढ़ी का आधुनिक तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ के जन शिक्षण संस्थान ने आधुनिक उपकरणों के बढ़ते प्रचलन को देखकर यहाँ रेफ्रिजरेशन का कोर्स चलाया जाता है, जिसे यहाँ के युवक बड़े ही रुचि से सीखते हैं और उन्हें रोजगार पाने में या रोजगार जुटाने में सुविधा हो जाती है। श्री प्रसाद ने जन शिक्षण संस्थान से 6 हफ्ते की लेथ वर्क की ट्रेनिंग ली और आज वह कम से कम 2,500 रुपया महीना कमा लेते हैं। जन शिक्षण संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें खास तौर से तैयार कार्यक्रमों द्वारा समग्र साक्षरता, सामान्य शिक्षा और कार्यकुशलता का प्रशिक्षण बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रशिक्षार्थियों को दिया जाता है। यह संस्थान कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार पाने, खुद का रोजगार शुरू करने या कोई भी ऐसा काम सिखाने जिसमें कुछ ना कुछ आमदनी हो, जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए समर्पित है। विजयवाड़ा के इन कामयाब लोगों से मिलने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश में कुशलता की कोई कमी नहीं है। यदि लोगों को सही तौर से शिक्षा दी जाए और उन्हें रोजगार का सही मार्गदर्शन कराया जाए तो वह किसी काम में पीछे नहीं रह सकते। ऐसे ही बहुत से लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने अगले अंकों में, लेकिन तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।